हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आर स्टडी ऑन। एंड टुडे वी आर नाउ गोइंग टू सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ सेट बी। जैसा आपको ज्ञात होगा कि हमने कुछ टाइम से बोर्ड की ऑफिशियल साइट bscs.org.in पर अपलोड किए गए कुछ प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने स्टार्ट कर रखा है। उसी सीरीज के अंदर हमने कल सेट बी को सॉल्व किया था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए थे। आज उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा रिलेवेंट कंटेंट मिलता है जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। ओके, आप करोगे नहीं करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा। अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन पर, बिकॉज 30 तक तो हमने करा दिया था ना। यस, हम 31st क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, जहां पर आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज द 31st क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर। सो आई एम टेकिंग नाउ मार्कर एंड रीड द पीसेज गिवन ब्लो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रेडी नाउ। ए कंपाउंड कंटेनिंग CHO इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम। इट ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विद सिफ्स रेजेंट ऑन रिफ्लेक्सिंग विद एक्सरसाइज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए यील्ड्स ओनली वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बी ऑन हाइड्रोलिसिस बी यील्ड ओनली अ कंपाउंड सी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बी बाय रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन। द कंपाउंड सी ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एसिड इज, ठीक है पढ़ लिया, इससे हमें कोई नहीं मिला, बट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अपने पास जो ए बी और सी और डी हैं वो क्या हैं। तो पहले इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ए बी और सी और डी क्या हैं। पढ़ लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, मीन्स आपको आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं कि ए बी सी और डी किस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास CH3, यहाँ पर जो कंपाउंड होगा आपका वो होगा CH3, CH2O, CH2 और ये CH3। सभी को पता है ये डाईइथाइल ईथर होता है। क्या होता है? डाईइथाइल ईथर, या फिर इसका IP नेम जो लिखेंगे अपन वो क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 कार्बन की पेरेंट चेन बन चुकी है, 2 कार्बन का आपका ईथ बन चुका है, ईथ के संग ऑक्सीजन भी आपके साइड चेन के रूप में काम कर रही है, 2 कार्बन का आपका ईथ और यहाँ पर पेरेंट चेन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिया, तो नाम बन गया आपका इथोक्सीथेन। किसकी बात करा? इथोक्सीथेन। अब इसने बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे तो आपका यहाँ पर HI होना चाहिए, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है एक्चुअली आपका ये, जो सिर्फ रेजेंट के संग यहाँ पे फर्दर कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, बट इसने ले लिया है तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका किसके अंदर है, एक्सरसाइज के अंदर है। अब जो चीज़ एक्सरसाइज के अंदर होती है, एक तो होता है हमारे पास 2 टाइप के रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है अपने पास एक्सरसाइज वाला और दूसरा होता है लिमिटिंग वाला। एक्सरसाइज वो जिसकी क्वांटिटी मैं कितनी भी यूज कर सकता हूँ, मेरे लिए उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आपका एक्सरसाइज के अंदर कोई भी रेजेंट होता है। दूसरा ऐसा होता है लिमिटिंग रेजेंट, जिसके कुछ मोल्स दिए गए होते हैं या फिर कुछ अमाउंट दिया गया होता है और उसका वहाँ पर कंप्लीशन होने के बाद में या फिर कंज्यूम होने के बाद में रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करती है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो पढ़ने के हैं नहीं, अगर आप तो कंपटीशन के लिए जाएंगे तभी पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो रिएक्शन हो रही है आपकी, यहाँ पे Cl से आपका क्या बनता है, आपने रिएक्शन देख रखी होगी, ये यहाँ पे बनता है आपका क्लोरोइथेन। क्या बनता है? क्लोरोइथेन बनता है, ठीक है। वैसे हाइड्रोइथेन बनता है,
इथाइल आयोडाइड बनता अगर यहाँ पर एच आई के संग रिएक्शन होती, लेकिन इसने एच सी एल के संग दी है तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे बोला था इसने कि ये जो आपका सोडियम के संग रिएक्शन नहीं कर सकता है, अच्छा जी बिल्कुल नहीं कर सकता है, हमने भी पढ़ा है, ना तो ये सोडियम के संग रिएक्शन करता है ना आपका सिस रेजेंट के साथ करता है, दोनों के संग यहाँ पर ये रिएक्टिव नहीं होता है। मीन्स ये इन दोनों के संग कैसा होता है, अनरिएक्टिव, कैसा होता है, अनरिएक्टिव। अच्छा जी, फिर इसने बोला था आगे, अगर आपने पेसेज को पढ़ा होगा, पेसेज वैसे तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड करने के लिए वो नहीं है, बट मैं क्वेश्चन पेपर के अंदर देख रहा हूँ, इसमें जो अपने पास CH3CS2Cl बना है इसका अपन करते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बोले तो HOH करते हैं, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एल्कोहल। एल्कोहल में कौन बनेगा, इथेनॉल। ये आपके पास बन चुका है यहाँ पे इथेनॉल, बन गया। फिर इसने बोला था इथेनॉल का हमें क्या कराना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था यहाँ पे, पोटेशियम परमैंगनेट। कौन था भैया, पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट आप सभी जानते हैं KMnO4, इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट, आप सभी जानते हैं। इसके ऊपर मैंने एक यूनिक सी वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी हो तो वो आप देख सकते हैं। ये क्या करता है, आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराता है, क्या कराता है, ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन को कन्वर्ट करके दे देता है यहाँ पर CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, मीन्स आपका एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, ओके। दिस इज IP नेम एंड दिस वन इज CN, कॉमन नेम। तो ये अपने पास क्या बनता है यहाँ पर, ये बनता है ये। अब A क्या है इसके अंदर, ये है, B क्या है यहाँ पर, ये है, और C क्या है अपना यहाँ पर, ये है, और D क्या है आपका, ये है। सभी को पता है कि यहाँ पे जो मोलर मास है वो कितना है आपका, 60 ग्राम है। इसने बोल भी रखा है यहाँ पर कि जो आपका D बनेगा वो क्या बनेगा आपका, उसका मोलर मास 60 ग्राम होगा। आप यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 12 × 24 प्लस के आपका 3 प्लस के 32 प्लस के आपका 1 करोगे तो मेरे पास यहाँ पर 4 3 7 7 2 9 और 1 10 3 3 3 2 5 1 6 आ रहा है ना। तो ये आपका D बनता है कौन, एसिटिक एसिड। अब जो इसने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर गिवन कर आंसर दीजिए, बस और कुछ नहीं है, ABCD और D पूछे होंगे और कुछ तो नहीं पूछा होगा, ठीक है। तो एक बार इनका आंसर दे देते हैं, बस काम खत्म हो गया अपना इसका पेसेज का। तो पेसेज के अंदर आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको हिंट दिया होता है। व्हाट इज कंपाउंड ए, ए क्या बोला है इसने, ए बोला है CH3CH2OCH2 और ये CH, क्या बोलते हैं इसको, डाईइथाइल ईथर। क्या बोलते हैं, डाईइथाइल ईथर, इट इज कॉमन नेम। एंड IUPAC नेम क्या बनेगा आपका, इथोक्सी इथेन। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड डी, डी क्या था आपके पास, एसिटिक एसिड ही तो था, इसके अंदर जो कार्बन का नंबर है वो कितना है, CH3C OH, तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन से, ओके। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड डी, डी का कंपाउंड नेम क्या होगा आपका, एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, या फिर आप इसको इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज कंपाउंड सी, कंपाउंड सी क्या बना था, कंपाउंड सी क्या बना था, इथेनॉल। क्या बना था, इथेनॉल, वही तो बना था इथेनॉल। और इथेनॉल की अगर मैं फॉर्मूला लिखने जाऊं तो CH3CH2OH। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी, बी क्या था अपने पास, बी था अपने पास CH3CH2 और ये Cl, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अगर ये आपका HI के संग रिएक्शन करता तो यहाँ पर बनता आपका कौन, CH3CH2 और यहाँ पर बनता I, इथाइल आयोडाइड। लेकिन यहाँ पर HCl के संग रिएक्शन हुई इसीलिए आपका कौन बना यहाँ पर, इथाइल क्लोराइड बना है, ठीक है। कॉपी कीजिए, मीन्स आपको स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम आगे फर्दर क्वेश्चन पर प्रोसीड होंगे, ले लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हियर इज 32nd क्वेश्चन। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज
टर्न कंसिस्ट ऑफ द बेस ए पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट मॉइटी। आपको पता होगा कि ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से लिया गया वो है क्वेश्चन है, और इसको एक बार रीड कर लेते हैं। वैसे आपको पता होगा कि तीन चीज़ें होती हैं, पहला आपका नाइट्रोजन बेस होता है, एडनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल होता है ना, उसके बाद पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट आपका मॉइटी होती है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सभी को पता है देर आर टू टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए। डीएनए कंसिस्ट ए फाइव कार्बन शुगर मॉलिक्यूल कॉल्ड टू डी ऑक्सी राइबोज वेरेज आरएनए कंटेन राइबोज। ओके, इसके अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, इसके अंदर कौन सी होती है आरएनए के अंदर राइबोज। बोथ डीएनए एंड आरएनए कंटेन एडेनिन ग्वानिन एंड साइटोसिन। द फोर्थ बेस इज थायमिन इन डीएनए एंड यूरेसिल इन आरएनए। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड वेरेज आरएनए इज सिंगल स्टैंड एंड मोलिक डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटी एंड हैव द कोडेड मैसेज टू द प्रोटीन्स ऑफ द सिंथेसाइज टू द सेल। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ आरएनए एमआरएनए RNA और यहाँ पर tRNA which actually carry out the protein synthesis in the cell। पढ़ लिया, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने से पहले ही पता चल गया होगा क्या बोल रहा है ये, ठीक है, लेकिन जाने दो, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ DNA। जिसको DNA का फुल फॉर्म ही नहीं पता वो तो भैया क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ के आया होगा। जिसको ये भी नहीं पता है, इवन मैं बात करूँ अगर मैं 6th, 7th, 8th इन क्लासेस के अंदर भी इसकी फुल फॉर्म सिखाई जाती है, और असेंबली के ड्यूरिंग यहाँ पर बहुत मात्रा के अंदर हम सुनते सुनते थक गए थे जब जीके का क्वेश्चन हुआ करते थे तो इसका फुल फॉर्म ही आरएनए डीएनए ये चीज़ें पूछी जाती थी। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिंकेज ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने वाले लिंकेज का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। इन लिंकेज को ध्यान रखना, इस बायोमोलिक्यूल के अंदर तीन टाइप के लिंकेज हैं, दो प्रोटीन को आपस में लिंक्ड करने वाले या फिर दो एमिनो एसिड को आपस में लिंक करने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, उन्हीं से मिलकर बना होता है आपका पॉलीपेप्टाइड लिंकेज भी। दूसरा होता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये बेसिकली आपका न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइनिंग करके रखता है आपस में, जो किसके होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड आरएनए में हो गया आपका इनके अंदर, ठीक है डीएनए हो गया आपका। तीसरा होता है आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे आपका स्टार्च हो गया आपका, है ना, आपका भैया शुगर हो गया आपका, हो गया लैक्टोज माल्टोज, इन सभी के अंदर क्या होता है दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करने का जो काम किया जाता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा ही किया जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन एक मोनोसैकेराइड को दूसरे मोनोसैकेराइड से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, वट इज़ द आर इन आर एन ए, वेरी सिंपल, क्या होता है ये आपका, ये राइबोसोमल आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए। ठीक है, आपने तीनों पढ़े हैं ना अभी, मैसेंजर आर एन ए। ठीक है, हम किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, मैसेंजर आर एन ए। ठीक है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइटोसिन एंड ग्वानिन। आपको पता होगा कि साइटोसिन और ग्वानिन सी जी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा आपका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एडेनिन और थायमिन का। इसके अंदर जो बॉन्ड बने होते हैं वो साइटोसिन और ग्वानिन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड अपने को देखने को मिलेंगे तीन, कितने तीन, जबकि एडेनिन और थायमिन के अंदर देखने को मिलते हैं दो। तो ये याद रखना, ए और टी के अंदर कितना होता है आपका टू, जबकि आपका ए और सी के अंदर कितना होता है आपका, सॉरी सी और जी का कितने अंदर कितना होता है, थ्री होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन टू ऑक्सीराइबोस शुगर। जो अपने पास शुगर होती है ना, टू ऑक्सीराइबोस शुगर, इसके अंदर बोला गया है कि कितने यहाँ पर ऑक्सीजन एटम होते हैं। आई थिंक फोर ही होते हैं, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ आई थिंक फोर ही होते हैं, देखते हैं एक बार भैया।
कितने होते हैं, यहाँ से इरेज करो इसे, यहाँ पे होता ऑक्सीजन ऐसे यूँ, ठीक है, यहाँ पर होता हाइड्रोजन, यहाँ पे भी होता हाइड्रोजन, इधर की साइड होता है CH2OH, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है HOH, यहाँ पर OH, यहाँ पर होता है आपका HO और H, ठीक है। तो कितने, किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, तो एक ऑक्सीजन एटम आपका ये वाला हो गया, दूसरा ऑक्सीजन एटम ये, तीसरा ऑक्सीजन एटम ये, चौथा ऑक्सीजन आपका ये वाला, ठीक है। तो अपने पास कितने होते हैं, 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर, किसके अंदर, डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर। तो ये आपके पास 4 वन मार्क्स के क्वेश्चन इस पेसेज के ऊपर पूछे गए थे, जो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज 33। दिस वन इज 33 क्वेश्चन, अच्छा और के अंदर भी, और सेक्शन के अंदर भी, ठीक है, वेरी सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार में हिंट दे रहा हूँ आपको, बस इसको खुद करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 1 और 2 मार्क्स के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर L2O3 मोल्टन L2O3 से हमें एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता था कैथोड पर, बस वही है। यहाँ पर फेराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस काम कर रहा है, जहाँ पर 3 सॉल्यूशन है मेरे पास, एक जिंक सल्फेट का, एक अपने पास सिल्वर नाइट्रेट का, और एक है आपका कॉपर सल्फेट का। इन तीनों को सीरीज के अंदर स्टार्ट कनेक्ट किया गया है, ए स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर का करंट पास किया गया है, और थ्रो देम अंटिल 1.4 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, जब तक आपका 1.4 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं होता है कैथोड ऑफ सेल बी पर, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट, ये पूछा लिया उसने कि कितना यहाँ पर जिंक और कॉपर का मास में डिपॉजिट होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आप ZnSO4 की बात करोगे, ZnSO4 से कौन मेटल डिपॉजिट होगा, आपका जिंक होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप चेंज निकालोगे तो n फैक्टर निकल के आएगा 2, कितने का निकलेगा 2, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका Zn2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा अपने पास, Zn सॉलिड बनाएगा। AgNO3 के अंदर क्या होगा, AgNO3 के अंदर Ag+ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा आपके पास, Ag सॉलिड बना देगा। तीसरा अपने पास Cu2+ होगा, Cu2+ में भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे और क्या बना देगा, Cu सॉलिड बना देगा। अब आप जानते हैं लाइक जैसे अपने पास है Ag+ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे Ag मिल रहा है, ये भी आपको पता है, क्या पता है आपको, कुछ नहीं पता, तो बताते हैं क्या नहीं पता आपको, क्या पता है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, लाइक मैंने जैसे बोला यहाँ पर अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 1 फेराडे, और 1 फेराडे का मतलब क्या है, 96500 कूलाम है, 96500 कूलाम से आपका कितना डिपॉजिट होता है, 108 ग्राम होता है, क्योंकि मोलर मास ऑफ एजी कितना होता है आपका 108। अब इसने बोला है कि 1.4 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बताओ 1 ग्राम को डिपॉजिट करने में कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बताओ 96500 अपॉन के 108, इतने चार्ज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी भैया। अच्छा, इसने जो बोला है 1.45 ग्राम के लिए कितने की पड़ेगी, तो अपन 96500 अपॉन के 108 और इनटू के कितना बना दोगे आप यहाँ पर, 1.45, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से फेराडे निकल जाएगा कि 1.4 ग्राम को डिपॉजिट करने में कितना हमें फेराडे या फिर कूलाम की चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर आप जानते हैं कि अगर आपके पास क्यों निकालना है तो क्यों क्या होता है, I×T होता है आपका, ठीक है। टाइम यहाँ पर दे रखा नहीं दे रखा है, टाइम ही तो निकालना, ठीक है, वो टाइम भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। हाउ लॉन्ग द करंट फ्लो, कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट, फिर क्या करना है आपको यहाँ पे, कॉपर और जिंक का मास डिपॉजिट कितना होगा ये भी फाइंड आउट करना है। बस वहाँ पर आपका जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन बोले तो कितना होता है 2 फेराडे, और 2 फेराडे कितना होता है 2×96500 कूलाम्स, ठीक है। मुझे वेट है, अगर आपको नहीं होता है ये तो बता देना मेरे को, ठीक है, मैं आपको करके दिखा दूंगा, बट इतना ही हिंट काफ़ी है, सफिशियंट है कि इसको आप सॉल्व करके रख दोगे, ओके आगे बढ़े।
आगे जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर वो इसका और है, मीन्स आपकी इंटरनल चॉइस है कि इनमें से आपको कोई भी सॉल्व करना हो सकता है, ठीक है, तो आपकी चॉइस है ये। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें गिवन कर रखी हैं सभी को एक साइड लिख लो, ठीक है। गिवन क्या क्या डाटा है मेरे पास, एक तो चीज़ दे रखी है यहाँ पे रेजिस्टेंस, क्या दे रखी है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दे रखा भैया हमारे पास, दे रखा है 50 सेंटीमीटर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहाँ पे, एंड लेंथ इज, हाँ जी 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 5.55 × 10³ ओम, ये अपने पास क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है। दूसरा इसने मोलरिटी भी दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है इसने m, वो आपको गिवन है 0.05 मोल पर लीटर, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और डायमीटर दे रखा आपको, डायमीटर वेरी इंपॉर्टेंट है, डायमीटर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसको अपन डी से लिखेंगे, वो दे रखा आपको 1 सेंटीमीटर। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर रेडियस निकालेंगे तो आप रेडियस कितनी आ जाएगी, आप जानते हैं रेडियस कितनी होगी, इसकी हाफ होती है तो 0.5, या फिर अपन कितना बोलेंगे 1.2 कितना बोलेंगे भैया, सिंपल इसको 1/2 सेंटीमीटर ही बोल दो, ठीक है। ये अपने पास रेडियस निकल आई, एंड लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ओके। ये अपने पास क्या दे रखा है, कुछ डाटा दे रखा है इससे रिलेटेड, और पूछा है इसने रेजिस्टिविटी पूछा है, कंडक्टिविटी पूछी है, मोलर कंडक्टिविटी, ये तीन टर्म्स पूछे हैं इसने जो आपको पूरी तरीके से पता भी होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। मेरे पास कोई एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ दे रखी है यहाँ पर वो दे रखी है आपकी कितनी, 50 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ दिस वायर इज, कॉलम दे रखा है आपका वो 50 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरी चीज यहाँ पर इसका डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी हाफ रेडियस कितनी होगी आपकी, 1/2। यहाँ पर आपका किसका फॉर्मूला लगेगा बताइए, हाँ एरिया, अगर मैं इसका निकालूंगा तो एरिया कितना बनेगा अपना, वेरी गुड, एरिया कितना बनेगा 5R², तो 22/7 × आर कितनी आपकी 1/2, और आर कितना है 1/2, तो इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो अपने पास ये 11, और ये 11/ कितना बन जाएगा, 7×2 = 14, 11/14 cm². ये अपने पास क्या बना है यहाँ पर, एरिया बन चुका है, क्या बन चुका है, एरिया बन चुका है। अच्छा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, सही आ रहा नहीं आ रहा भैया, इतना ही होता है नहीं होता ये अच्छा 0.025, ठीक है 22/18 वही है 28, ठीक है राइट, एकदम एरिया वैसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 0.785 cm², 0. कितना निकला है, 785 cm², 785 cm², ये एरिया आ चुका है। अब जो टर्मोलॉजी इसने पूछी है उसी को यहाँ पर निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा है रेजिस्टिविटी, क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और जो रेजिस्टिविटी होती है अपनी उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली आपने सुना भी होगा, आपने सुना होगा कि आर जो अपने पास होता है वो होता है ρ × L/kA, यही होता है ना, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, ρ A/kA यहाँ पे L, यही बनेगा नहीं बनेगा रो, ठीक है। तो अपन चुपचाप यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रेजिस्टेंस इंटू के एरिया डिवाइड बाय लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर या फिर कॉलम, ठीक है। तो अपन इसको वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं खाली, और क्या करते हैं यहाँ पर, वैल्यूज़ को प्लेस करोगे तो रेजिस्टेंस दे रखा 5.55 × 10³ कितना दे रखा, 3 ओम,
इंटू के एरिया कितना निकला हमारे पास 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड किया आपने कितने से, लेंथ, लेंथ दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो अपने पास इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आता है एक बार देख लेते हैं। ये 5.55 × 10³ और यहाँ पे 11/14 आपका ये दे रखा है एरिया, और डिवाइड किया 50 से तो 87.135 ओम इंटू के सेंटीमीटर, ये आपकी रेजिस्टिविटी आ चुकी है। ओके, रेजिस्टिविटी तो आपने निकाली यहाँ पे। दूसरा आपका जो अगला टर्म पूछा इसने, वो पूछा है कंडक्टिविटी। क्या पूछा है? कंडक्टिविटी, ठीक है। वैसे कंडक्टिविटी जो बोल दी जाती है आपकी कापा होती है, और कापा किसका इन्वर्स होता है? रो का। तो आप इसका जस्ट रिवर्स ही मार सकते हैं लेकिन मैं रिवर्स नहीं मार रहा, मैं अपना फॉर्मूला लिख रहा हूँ कापा का। कापा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r होता है इंटू l/a होता है, यही होता है ना भैया? अच्छा, 1/r क्या हो जाएगा आपका? 1/5.55 × 10³ इंटू लेंथ कितनी दे रखी है 50, डिवाइड बाय एरिया कितना दे रखा है 0.785, इतना दे रखा है। इसे भी अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। कंडक्टिविटी देखते हैं कितनी निकल के आ रही है, 1.55 × 10³ इंटू के 50, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास निकल के आ रही है कंडक्टिविटी 0.0114 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर क्या बोलेंगे इसको आप, सीमेन पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, बिकॉज ओम इनवर्स क्या होता है, मो, या फिर आपका सीमेंस लिख सकते हैं। ये दो टर्म्स को निकल आए। उसके बाद अपने पास मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को आप किससे, लैम्डा एम से। तो कापा कितना निकला अपने पास, कापा निकला है 0.0114 × 1000 और डिवाइड बाय मोलरिटी कितनी दे रखी है भैया, मोलरिटी दे रखी है आपकी कितनी, 0.005 मोल पर लीटर। तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते एक बार। ये आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा 0.0114 × 1000 / 0.05, तो ये निकल के आ रहा है अपने पास 228, कितना आ रहा है 228, और इसकी यूनिट क्या बनेगी अपने पास, इसकी यूनिट बनेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये इसकी यूनिट निकल के आएगी मोलर कंडक्टिविटी की। तो ये हमारे पास 33rd क्वेश्चन का इंटरनल था, इंटरनल पार्ट जो आपको एक करना होता है, किसी एक को कर लीजिए। 34th क्वेश्चन में बोला गया है कि वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बतानी है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, जो गिवन एग्जांपल ऑफ ईच, एक एक का हमें एग्जांपल देना है, बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मीन्स आपका 34th क्वेश्चन, वैसे आपका लिखने का है बस, ये और कुछ नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ एक बार आपकी कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हम देखने को मिलती है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो हमारे पास आइसोमेरिज्म होती है बेसिकली आपकी, एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरी होती है अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, बी आपका होता है सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, इसको अपन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपका जैसे
कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, डी हो गया आपका जैसे पॉलीन्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपकी दो प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है अपने पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दो आइसोमेरिज्म किसके होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिनको हम 3D आइसोमेरिज्म के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। इनको वन बाय वन आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इनके एग्जांपल भी लिखने हैं और इनके डेफिनेशन भी लिखनी है, बस आपका 34th क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मानिए, कुछ समझाने का तो है ही नहीं इसमें। उसके बाद है आपका और वाला सेक्शन है, और वाला सेक्शन बोल रहा है आपका इसी का ही 34th क्वेश्चन का, वो देख लेते हैं। राइट डाउन द IUPAC नेम, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स K4Mn CN6। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा K4Fe नहीं दे रखा यहाँ पे, ये दे रखा Mn CN6, Mn CN6 और चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। सबसे पहले ये बहुत ही आसान है, आपने पोटेशियम हेक्सासाइनोड साइनोफेरेट देखा है, बिल्कुल बस उसका कॉपी है। यहाँ पर सेंट्रल एटम मेटल एटम कौन होता है, आयरन होता है। यहाँ पर कौन दे रखा है आपका, मैग्नीज दे रखा है। तो ज़्यादा ना देरी करती हूँ, इसको निपटाते हैं। तो अपन पहले यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं IP नेम। IP नेम लिखने के लिए सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर देंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालते हैं, वो पूछा भी गया है। पोटेशियम 4 है, एक का होता है प्लस का 1, मैग्नीज X6 साइनाइड और एक माइनस साइनाइड का होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अपन यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस का 2। ओके, तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकल आया है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने पूछा है, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बाद में लिखेंगे, पहले इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं, ठीक है। IUPAC नेम क्या बनेगा इसका, IUPAC नेम बनेगा इसका पोटेशियम, ठीक है। पहले हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, उस कैटायन पार्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर लिगेंड का नाम हेक्सासाइनो, उसके बाद मैग्नीज को बना देंगे मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है रोमन के अंदर, प्लस का 2। ओके, ये अपने पास बन गया इसका पोटेशियम हेक्सा मैग्नेट सेकंड आपका कंपाउंड बनेगा ये। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या बनेगा, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था मैग्नीज के ऊपर, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4S2। लेकिन यहाँ पर प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर है, तो यहाँ पर 4S आपका वैकेंट होगा। अच्छा, 4S के बाद और भी सब सेल होते हैं ना, अच्छा 4P भी होता है, इसके बाद कौन सा होगा, 4D भी होगा आपका। ये सभी वैकेंट ऑर्बिटल हैं जिनमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये अकोमोडेट कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, लिगेंड्स। लिगेंड कौन है यहाँ पे, साइनाइड। अब साइनाइड का ये नेचर देखना पड़ेगा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए, कि इसका जो नेचर है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड। तो आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर पढ़ा होगा कि इट इज़ कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आता है, तो इसके अंदर हमें पेयरिंग देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, पेयरिंग। ओके, तो करें बात, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, 3D5 4S 4P 4D है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है
अपन को क्या करने पड़ेंगे, पेयर करने पड़ेंगे। पहले हम ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये अपना 3D बन गया, 2, 3, 4 और 1, 5। उसके बाद 4S बना लेते हैं, 4S के बाद यहाँ पर बनाते हैं 4P, 1, 2, 3। उसके बाद 4D बनाते हैं, तो 4D भी यहाँ पर बन जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपका 5 बन चुके हैं। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 3D के अंदर, तो 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज़ 5th। ओके, दिस वन इज 5th हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये पेयर नहीं हो सकता है, ये तो आपका अनपेयर्ड ही रहेगा ना। यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो आपका साइनाइड है वो क्या करेगा, यहाँ पर एक साइनाइड तो यहाँ पर हो गया, दूसरा साइनाइड आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो गया, तीसरा साइनाइड कौन सा होगा आपका, ये वाला हो जाएगा, चौथा साइनाइड आपका ये वाला हो जाएगा, पांचवा साइनाइड आपका ये वाला हो जाएगा, छठा ये वाला हो जाएगा। तो 6 साइनाइड यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम किसके साथ, मैग्नीज के साथ। किसके साथ, मैग्नीज के साथ। तो ये मैग्नीज के संग यहाँ पर 6 क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। अच्छा जी, तो 6 यहाँ पर लिगेंड हैं आपके, मोनोडेंटेड लिगेंड यहाँ पे ये। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा आपका वो डी के कितने हैं 2, एस का 1 और पी के कितने आपने 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन गया आपका, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा आपका, D2SP3 होगा। अब अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर, 1। तो हमें निकालना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, विच इज म्यूनेट इज इक्वल टू रूट ओवर NN+K2 Bm। सो इट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो रूट ओवर कितना रख देंगे अपन, 1, 1+K2 और उसके बाद यहाँ पर Bm, क्या रख दिया, Bm। तो यहाँ पर आपका कितना निकलेगा, 2, 1, 2, 1, 3 हो गया, 3, 1, 3, तो रूट आपका 3, रूट 3 कितना होता है, 1.75 Bm, ये आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन मैग्नेटिक मोमेंट है इसका, और इस मैग्नेटिक मोमेंट को इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अगर कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनता है तो वो आपका नेचर के अंदर कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। सो दिस इज 34th क्वेश्चन, और वो भी इंटरनल वाला। ये हमारे पास, आपके पास इंटरनल चॉइस होती है, हमारे पास तो यहाँ पर कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं होती है, सभी आपको सॉल्व करके दिखाने होते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें जिसने पूछी थी वो सब हमने निकाल ली हैं, बट ड्यू टू टेक्निकल एरर द स्मार्ट बॉडी इज ऑफ। ये देखो अपना लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इसमें बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर भी हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, ए बी और सी फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो मैकेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बड़े कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होते, लेकिन बना देते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट फिंगर के ऊपर नहीं है तो। बट आप सीधे चलिए जो कुछ पूछा है इसने उसी को ध्यान में रखते हुए। एक हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला, और इस मॉलिकुलर फार्मूला के अंदर हमें यहाँ पर C6H16O2 दे रखा है, C6H16 और ये O2। आप सभी को पता, अगर आपने जनरल मॉलिकुलर फार्मूला पढ़ा है तो ये जनरल मॉलिकुलर फार्मूला होता है एस्टर का फॉलो कर रहा है, और एस्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C8N, ये तो C8H16 हो गया, ये होता है आपका CnH2n और ये O2। ये एस्टर का जनरल मॉलिकुलर फार्मूला होता है, उसी को ये फॉलो कर रहा है। कार्बनिक नंबर आपका हाइड्रोजन डबल है और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो सिंपल मुझे यहाँ पर जो C8H16O2 दे रखा है वो आपका क्या है, यहाँ पे एक एस्टर है, और एस्टर की जो आइडेंटिफिकेशन होती है फंक्शनल ग्रुप की वो होती है COO। ठीक है, COO यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होती है इस एस्टर की, तो एस्टर को ही देखते हैं भैया। सबसे पहले देखो हमारे पास CH3CH2, ये आपका CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH2 CH2, और ये फिर अपना आगे CH3, 1, 2, 3 एंड 4
फाइव सिक्स सेवन्थ एंड एट्थ, ये आपका इस टाइप का एस्टर है। एस्टर को मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका अपन क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट में जो आपका सॉल्वेंट का अमाउंट होता है उसको HO और H के संग हम यहाँ पर रिएक्ट कराते हैं। एज यू नो दैट HOH माइनस एंड दिस H प्लस, सो यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होता है। बॉन्ड का क्लीवेज क्यों होता है? बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट कैन ऑक्यूपाई नेगेटिव चार्ज, वेयर इज कार्बन ऑक्यूपाई पॉजिटिव चार्ज। सो बॉन्ड क्लीवेज होता है अपना यहाँ पर CO का इस टाइप से। आपका जो OH है आपका वो रिक्वायर्ड होगा किसको? इस कार्बन को। तो मेरे पास यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा, CH3, CH2, CH2 और C डबल बॉन्ड O और दिस वन इज COOH एंड H प्लस गोज टू CH3, CH2, CH2 और CH2 और ये आपका ऑक्सीजन और ये उसके संग H हो गया, ठीक है, ये आपका OH हो गया। तो अपन सही जा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड बना है और आपका ब्यूटेनॉल एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, वो जो बिल्कुल बोला नहीं, टू गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड बी है आपका और सी कौन है आपका अल्कोहल, ये आपका बी हो गया और ये दिस वन इज सी। ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड बी, इसने बोला है कि अगर मैं इसका यहाँ पर करा देता हूँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करा रहा है? CrO3 क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में। तो क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में करा दें तो अपन बी प्रोड्यूस होता है सी ऑन डिहाइड्रेशन यूज ब्यूट वन इन, जो हमारे पास सी कंपाउंड है ब्यूटेनॉल इसका डिहाइड्रेशन करके देखते एक बार अपन, तो CH3, CH2, CH और ये आपका एच हो गया इधर की साइड से आपका CH2 और दिस वन इज OH। डिहाइड्रेशन बोले तो माइनस H2O, दिस इज डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर अपने पास ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो अपने पास जो कंपाउंड का फॉर्म होगा वो कुछ ऐसे होगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, मीन्स आपका ब्यूट वन इन, दिस इज ब्यूट वन इन। ओके, तो यही हमारे पास राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, ये सभी रिएक्शन इस टाइप से इन्वॉल्व हुई हैं जो आपको मैंने करके दिखा दी है। तो इसमें ए बी, ए कौन था आपका? ये एस्टर था। बी कौन था आपका यहाँ पे? ये था। सी कौन था आपका? ब्यूटेनॉल। और सी का हमने यहाँ पर क्या किया है? डिहाइड्रेशन किया है, तो अपने पास यहाँ पर एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ है विच इज़ ब्यूट वन वाई एंड ई। ओके, सो ये अपना बी सेट था जो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस थे इस सेट बी से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी सेट थे ए बी सी और डी, वो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इस वीडियो के आप आई बटन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको सभी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर मिल रही होंगी। तो सभी वीडियोस को आप वन बाय वन सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कोई क्वारी आती है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और अगर तक अपने आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग और फर्दर नोटिफिकेशन फर्दर अपकमिंग वीडियोज़। ओके, सो आई थिंक ये सब चीज़ें कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो टिल देन बाय।